रीवा में जिला न्यायालय में अधिवक्ता इंद्रेश मिश्रा को महिला द्वारा फर्जी तरीके से फंसाए जाने के मामले को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि न्यायालय में बतौर अधिवक्ता एडवोकेट इंद्रेश मिश्रा द्वारा रजनी त्रिपाठी पत्नी प्रेमचंद्र त्रिपाठी के बीच चल रहे भरण पोषण के विवाद में पैरवी कर रहे थे, जिस मामले में रजनी त्रिपाठी को 30,000 रुपये फीस देनी थी, लेकिन अवार्ड पारित हो जाने के बाद महिला फीस न देने का षड्यंत्र रचते हुए बलात्कार जैसे संगीन अपराध में फंसाने के षड्यंत्र रच रही है, जो पूरी तरह से असत्य व अनैतिक है। अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले की एसपी से सही जांच करने समेत महिला के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी तादाद में अधिवक्ता मौजूद रहे। एक हमारे वकील साहब इंद्रेश गौतम, उनके क्लाइंट थी रजनी त्रिपाठी, उसके प्रकरण में वो पिछले साल भर से वकील है। उसका अवार्ड पारित हुआ 60,000 का, जो शर्त तय हुई थी कि आज ही फीस में दिया जाएगा। अब फीस न देना पड़े तो बलात्कार की रिपोर्ट कर रही, जबकि वो वकील साहब को फ़ोन में धमकी दे रही थी। वकील साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट की कि फ़ोन में हमको ये धमकी दे रही है। अब वो उसी चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने वाली है। मतलब आपका कहना अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं? हाँ, और घटना बता रही है 4 महीने पहले की, घटना बता रही है 4 महीने पहले की, उसके बाद लगातार पुलिस में आ रही है। शिकायत उसने की है, हमने भी एक दिन पहले शिकायत की, फोन में ये धमकी दे रही है। वही हमने कहा कि आप जांच कराओ, जांच में सही पाओ तो आप काम करो, लेकिन अगर झूठ मिले तो काम मत करो।